डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इसमें आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। इसके पिछले वीडियो तक हमने मीटियोर क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है और जितने भी ग्रुप ऑफ स्टार्स थे, शब्द किसके बारे में, ध्रुव, मेजर उर्सा, माइनर उर्सा, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। तो ए सॉलिड हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ए प्लैनेट। क्या होती है प्लैनेट? एक सॉलिड हेवनली बॉडी। एक क्या होती है? एक सॉलिड हेवनली बॉडी होती है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो क्या करती है, चक्कर लगाती है सन के चारों ओर। इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट, और उसका एक ऑर्बिट होता है। मान लो ये क्या है, ये अर्थ है और ये सन है। तो ये जो अर्थ है वो ऐसे सन के चक्कर लगाएगी एक अपनी एक ऑर्बिट में। और वो ऑर्बिट क्या होती है, हमने हमारे पार्ट वन में देखा था कि ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन होती है। वो एकदम कोई फिक्स लाइन लिखी हुई नहीं होती, वो तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अंदर प्लैनेट्स सर्कुलर, वो प्लैनेट्स घूमते हैं। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रह। हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी मतलब जिसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो हमारी एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनको ग्रह बोला जाता है। और देयर आर 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, और उनकी खुद की लाइट नहीं होती। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती। बट अपीयर्स टू शाइन एज द सनलाइट फ्रॉम देयर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, और वो क्या करते हैं, वो सन की जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होती है और उससे ही वो चमकते हैं। किससे? सन की जो लाइट होती है वो उनके सरफेस पर टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, उससे ही वो चमकती है। और प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की साइड, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। मेरा वेस्ट इधर है तो वेस्ट से ईस्ट की साइड वो रोटेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीनस को छोड़ के। वीनस ईस्ट टू वेस्ट भी रोटेट करता है। ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस एवरी डे। ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड, और उनकी जो भी स्पीड होती है वो एकदम डिफरेंट होती है, वो अलग होती है। द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स, और उनकी जो भी पोजिशन होती है वो भी अलग होती है। विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस एवरी डे, और वो जैसे अर्थ घूमती है तो उनकी पोजिशन चेंज होती जाती है अर्थ की जैसे। तो ये तो था प्लैनेट्स के बारे में। अब हम जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके कौन कौन से नाम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको वो रात को अंधेरे में देखना है कि वो सब आपको दिखता है कि नहीं। तो लुक केयरफुली इन द स्काई, रात को अंधेरे में आपको ध्यान से देखना है स्काई की तरफ। सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्राइटर, बिगर एंड ब्राइटर देन द स्टार्स। आप देखना कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जो आपको स्टार से भी ज़्यादा बड़े और स्टार से भी ज़्यादा चमकदार दिखेंगे। सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर एंड ब्राइटर देन द स्टार्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टार से बड़े और स्टार से ज़्यादा चमकदार दिखेंगे। दे डू नॉट ट्विंकल, और वो चमकेंगे नहीं, वो ब्राइटर तो होंगे लेकिन वो स्टार्स की तरह चमकेंगे नहीं। द चेंज देयर, दे चेंज देयर पोजिशंस विद रेस्पेक्ट टू द अदर स्टार्स, और वो अदर स्टार्स की तरह अपनी पोजिशंस को चेंज करेंगे। दे चेंज देयर पोजिशंस, वो अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टार्स, अदर स्टार्स की तरह वो भी अपनी पोजिशंस को चेंज करेंगे। आपको क्या देखना है, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स बिगर एंड ब्राइटर देन होते हैं स्टार से, और कुछ, और वो बड़े तो होंगे और ब्राइटर भी होंगे लेकिन वो चमकेंगे नहीं, और वो क्या होंगे, वो हमें रात को
देयर पोजीशंस, उनकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी स्टार्स की तरह। अब नोट, मरकरी को हम क्या बोलते हैं? बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को इंद्र और वरुण, नेपच्यून को वरुण। मरकरी को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण या फिर इंद्र, नेपच्यून को वरुण। तो अब हम मरकरी की और वीनस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मरक्यूरी और वीनस की। मरक्यूरी को बुद्धा बोलते हैं और वीनस को शुक्र। तो ये मरक्यूरी क्या है? सन के सबसे पास में है, तो इसलिए ये सबसे गर्म प्लेनेट है। ये सन के पास में है इसीलिए ये सबसे गर्म प्लेनेट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनराइज हो रहा है और ये सनसेट हो रहा है। तो ये क्या है? ये मरक्यूरी है और इधर भी ये मरक्यूरी है। तो जब सनराइज होता है, तो 8 वीक्स तो ये सनराइज की साइड में रहता है और 8 वीक्स ये सनसेट की टाइम रहता है। मतलब जब 8 वीक्स हो जाते हैं तब तो ये मरक्यूरी हमें जब सुबह हो रही होती है, जब सनराइज होने वाला होता है, तब 8 वीक्स तो हमें ये इस साइड दिखता है, मेरा ईस्ट ये वाला है। तो सनराइज भी ईस्ट साइड से होता है, तो 8 वीक्स तो मेरे को ये इस साइड दिखता है। कब? जब सनराइज होने वाला होता है। और 8 वीक्स के बाद में ये सनसेट की साइड, ये दिखता है 8 वीक्स तक, और बाद में फिर से इधर आ जाता है। और ये इसका जो सरफेस है वो एकदम मून के सरफेस की तरह है। मून का सरफेस कैसा था? कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन थे तो कहीं पे नीचे क्या बड़े बड़े होल्स थे, और वहाँ पे क्या लाइफ पॉसिबल नहीं थी। वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही वो ना ग्रेविटी थी, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ऐसे ही मरक्यूरी के अंदर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे गर्म प्लेनेट है और ना यहीं पे एटमॉस्फेयर है ना वाटर है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और मरक्यूरी को सनराइज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्या? मरक्यूरी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अब आगे आता है वीनस। तो वीनस को हम शुक्र बोलते हैं। क्या? वीनस को हम शुक्र बोलते हैं। और ये 292 डेज तो ईस्ट साइड में रहता है और 292 डेज वेस्ट साइड के अंदर रहता है। कौन? वीनस। इसकी जो शेप होती है वीनस की वो एकदम मून की जैसे होती है, ये एकदम वाइट रहता है। और ये जो मरक्यूरी था वो 8 वीक्स दिखता है, 8 वीक्स तो दिखता है सनराइज की साइड और 8 वीक्स दिखता है सनसेट की टाइम। लेकिन ये जो वीनस है वो 292 डेज तो दिखता है सनराइज की साइड और 292 डेज दिखता है सनसेट की टाइम। ओके। और ये जो अर्थ, ये हमारी अर्थ तो सन के पूरा राउंड कितने डेज में? 365 डेज में लगाती है। लेकिन जो वीनस है वो 225 डेज के अंदर लगा लेता है। कितने डेज में? 225 डेज के अंदर ये राउंड लगा लेता है सन के, क्योंकि ये सन के पास में है तो इसको थोड़ा कम डेज लगते हैं। हमारी अर्थ सन से थोड़ा दूर है तो इसीलिए इसको थोड़े ज़्यादा डेज लगते हैं। और इसका जो मास होता है, वो 0.8 टाइम्स मोर देन अर्थ। वो अर्थ के मास से 0.8 टाइम्स ज़्यादा होता है। किसका मास? वीनस का मास। और इसकी जो शेप होती है वो तो अर्थ की जितनी ही होती है, लेकिन इसका मास 0.8 टाइम्स ज़्यादा होता है अर्थ के मास से। तो ये तो था मरक्यूरी और वीनस के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, अर्थ की। अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं। तो जो पृथ्वी होती है वो एकदम गोल होती है। आप तो ऐसा सोचते हो कि हमारी जो अर्थ है वो एकदम गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ होती है वो एकदम थोड़ी सी दबी हुई होती है ऊपर से, वो एकदम स्फेयर होती है, वो गोल नहीं होती। और उसका जो डायमीटर होता है, जो अर्थ का जो डायमीटर होता है, मैथ्स के अंदर सीखा था हमने कि जो अर्थ का डायमीटर होता है वो कितना है? 12800 किलोमीटर। डायमीटर मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है। कितना है?
12800 किलोमीटर, और जो इसका सर्कमफेरेंस है अर्थ का, सर्कमफेरेंस मतलब उसकी बाउंड्री, तो उसकी बाउंड्री कितनी है अर्थ की, 4000 किलोमीटर। कितनी? 4000 किलोमीटर, ये तो है इसकी बाउंड्री 4000 किलोमीटर। और इसका इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 12800। और इसका मास, मास मतलब इसका वजन कितना है, इसका वजन है 5.98 × 10^24। तो इसका वजन कितना है, 5.98 × 10^24। इसका वजन बहुत ज्यादा है अर्थ का, इतना तो हमारा तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना? 5.98 × 10^24, मतलब इसके 598 के आगे 24 जीरो और लगा दो, इतना वजन है अर्थ का। फिर इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 21%, ये तो हमें भी पता है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस 1%, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस 1%। अब रिवॉल्यूशन, जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर एक राउंड लगाने के लिए अपनी एक्सिस से वो रोटेट करना स्टार्ट करती है, और सन के जो राउंड लगाती है वो कितने डेज के अंदर लगाती है, वो 365.25 डेज के अंदर। लेकिन हमें तो 365 डेज ही सिखाते हैं, लेकिन जो अर्थ है वो सन के 365.25 डेज के अंदर राउंड लगाती है, 25 डेज एक्स्ट्रा हुए हैं, मतलब एक ईयर के अंदर 25 डेज एक्स्ट्रा है। और इसी से 4 इयर्स के बाद में लीप ईयर आ जाता है, जिसके अंदर अर्थ 365 डेज के अंदर राउंड लगाती, 360 इससे क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है, तो अर्थ 366 डेज के अंदर लगाती है राउंड। फिर डिस्टेंस वो हमारी बुक के अंदर 365.25 डेज लिखा हुआ है, लेकिन 365 तो डेज होते हैं और 6 आवर्स होते हैं, और बाद में 4 इयर्स के बाद में लीप ईयर आ जाती है, तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 का 1 आवर हो जाता है, मतलब 24 आवर्स के 1 डे हो जाता है। तो अर्थ को लीप ईयर के अंदर 366 डेज लगते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और जो अर्थ है वो सन के, ये सन है और ये अर्थ है, तो ये कितनी दूरी तय करती है, इसे यहाँ पे गोल है, ये कितनी दूरी तय करती है सन के चारों तरफ राउंड लगाने के लिए, ये 15 करोड़ किलोमीटर। ये जो अर्थ है वो 15 करोड़ किलोमीटर राउंड लगाती है, यहाँ से ये अर्थ राउंड लगाना चालू करेगी और 15 करोड़ किलोमीटर राउंड लगाएगी, और बाद में जाके ये जो है वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करेगी। फिर रोटेशन, ये तो था रिवॉल्यूशन, अब रोटेशन। जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करते हैं, सिर्फ वीनस को छोड़ के, वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ऐसे वो रोटेट करते हैं ऐसे। फिर 1 रोटेशन से कितने, 24 आवर्स हो जाते हैं। जब अर्थ एक बार रोटेट कर लेती है तो ऐसे एक बार रोटेट कर लेती है अपनी ही एक्सिस पे, तो 24 आवर्स हो जाते हैं। और जो अर्थ है अगर वो सन के पास में चली जाएगी, तो अगर वो सन के पास में चली जाएगी तो क्या हो जाएंगे, दिन बड़े हो जाएंगे, और अगर वो सन से दूर चली जाएगी तो दिन छोटे हो जाएंगे और रात लंबी हो जाएगी। तो 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, 21 जून को, कितनी डेट को, 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है। 21 जून को तो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर को सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, 21 मार्च को 23 सितंबर को,
कौन सी को 21 मार्च को, 23 सितंबर को। जो लाइट, जो डे और जो नाइट होती है वो दोनों इक्वल होते हैं। ना डे बड़ा होता है, ना लाइट बड़ी होती है, ना डे छोटा होता है, और ना ही नाइट छोटी है होती है। जो डे और नाइट होते हैं वो दोनों इक्वल्स होते हैं। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो ये तो था अर्थ के बारे में। अब हम वीनस की बात करेंगे, अब हम मार्स की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मार्स की। तो मार्स को हम रेड स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि जब अगर हम उसको दूर से देखेंगे, हम ऐसे तो उसको देख नहीं सकते, तो हम किसके टेलीस्कोप से देखेंगे, तो वो हमें कैसे दिखेगा? रेड कलर का। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें रेड कलर का दिखेगा टेलीस्कोप। और फिर उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, किस उसका खुद का डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस है 228 × 10⁶ किलोमीटर। उसका डिस्टेंस कितना है? 228 × 10⁶ किलोमीटर। और उसका डायमीटर, डायमीटर ये वाला उसका डायमीटर हो गया, वो कितना है? 6794 किलोमीटर। कितना? 6794 किलोमीटर। और मास 1/9 क्या है? मास कितना है उसका? 1/9 है हमारे अर्थ के मास से। और एटमॉस्फेयर इज थिन, हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, ये मान लो अर्थ है और उसका एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर तक है। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर तक है, लेकिन जो मार्स है उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, राउंड ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपनी ही एक्सिस पे राउंड करता है। तो उसको कितने डेज लगते हैं? 1.26 डेज लगते हैं उसको अपनी एक्सिस पे राउंड करने से, मतलब एक दिन से भी ज़्यादा दिन लगते हैं। फिर राउंड अराउंड सन, और अगर वो सन के राउंड निकालेगा तो उसको 2 ईयर्स लगेंगे, मतलब 678 डेज लगते हैं उसको सन के राउंड निकालने में। और इसके 2 मून्स हैं, हमारी नेचुरल सैटेलाइट तो क्या है, मून है, और इनकी नेचुरल सैटेलाइट है फोबोस और डाइमोस। क्या है उनका मून? उनकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है फोबोस और डाइमोस। फिर से बात कर लेते हैं, क्या मार्स को हम रेड स्टार बोलते हैं? इसका डिस्टेंस कितना है? 228 × 10⁶ किलोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 6-7। तो इसका डिस्टेंस कितना है? 228 × 10⁶ किलोमीटर। किसके? सन से। और इसका डायमीटर 6794 किलोमीटर है, और इसका मास 1/9 है अर्थ के मास से, अर्थ के वजन से इसका 1/9 है। एटमॉस्फेयर इसका बहुत थिन है, और हमारी अर्थ का 200 किलोमीटर तक भी है, और राउंड ऑन इट्स एक्सिस, वो हम अपनी एक्सिस पे राउंड करने पर 1.96 डेज लगाता है, मतलब एक दिन से भी ज़्यादा दिन लगाता है वो। राउंड अराउंड सन, और जब वो सन के राउंड निकालता है तो उसको 2 ईयर्स लगते हैं। हमारी अर्थ तो 365 डेज के अंदर ही निकाल लेती है, लेकिन जो मार्स होता है उसको 678 डेज लगते हैं। और इसके 2 मून्स होते हैं फोबोस और डाइमोस। तो हमने मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में जाना, हमने 4 प्लैनेट्स जाने। अगले वीडियो में हम 4 प्लैनेट्स की और बात करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।